हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैंने उबले हुए आलू को मैश कर लिया है। प्याज, धनिया, मिर्ची सभी चीज़ों को काट लिए हैं अच्छे से धुलकर, और आलू में हम डाल देंगे। आज हम बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी आलू की टिक्की बना सकते हैं। तो इसमें हम चावल का आटा, हम इसमें केवल चावल का आटा ही मिलाएंगे और कुछ नहीं मिलाना है आपको। तो जितना आलू आप लिए होंगे उसके हिसाब से आप चावल का आटा उसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। अब हम डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच। स्वाद अनुसार नमक डाल देना है आपको। अब सभी चीज़ों को हम मिला लेंगे और इसमें कुछ नहीं ऐड करना है आपको। अब पानी भी ऐड नहीं करना है, बिना पानी का ही आपको इसको मिक्स करना है अच्छे से। आप देख सकते हैं हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए अभी ये सूख गया, एकदम सूखा हो गया। आप देख सकते हैं इतना ही सूखा होना चाहिए। प्याज है इसमें और हमने नमक डाला है, तो प्याज पानी, नमक पानी छोड़ देगा। तो इसे हम 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। 15 मिनट बाद चेक करेंगे। तो हम 15 मिनट बाद चेक कर रहे हैं। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सूखा था और ये देखिए मिलाने पर ये गीला है। तो ऐसा ही होना चाहिए जब भी आप बनाएं तो टिक्की क्रिस्पी। तो अच्छे से इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तब इसमें हम छोटा छोटा ही टिक्की का शेप का हम बनाएंगे। आप छोटा या बड़ा जैसा भी आपको पसंद हो, तो ऐसे आप गोल गोल टिक्की के शेप का बना लेना है। ये देखिए एक रेडी हो गया है। तो सभी हम ऐसे ही बना लेंगे। और गैस पर हमने कढ़ाई रख दी थी, उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिए थे। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो पहली टिक्की जल जाएगी और क्रिस्पी नहीं होगी। तो मीडियम होना चाहिए। तो हम सारी टिक्की को डाल देंगे, जितना कढ़ाई में आएगा उतना ही डालेंगे। तो हमने चार डाल दिया है और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक आपको तल लेना है। टिक्की हम तल कर ही बना रहे हैं, तो इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है आपको, एक दो मिनट तक चलाते हुए। तो आप देख सकते हैं टिक्की अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो ऐसे ही आपको तल लेना है। तो अभी से हम एक प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी टिक्की, अभी से हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे ही सारी टिक्की हम बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे टिक्की हमने रेडी कर लिया है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप टिक्की बनाना नहीं चाहते तो आप केवल सॉस के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं। तो हम इसका टिक्की बनाकर आपको दिखा देते हैं। तो हमने एक कटोरी में दो टिक्की लिए हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे, अगर दही आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हमने 3 चम्मच दही डाल दिया है, तो खट्टा दही है। ज़्यादा सादा दही भी आपको नहीं लेना है, थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। अब इसमें हम जल जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपको टिक्की ऐसे बनाना पसंद है तो आप चीज़ें मिलाएंगे तो आप उसमें ये सब चीज़ें डाल सकते हैं, पर हम वो चीज़ें नहीं डालें क्योंकि हम दही के ऊपर ऐसे डालना है आपको। लाल मिर्च पाउडर, जलजीरा पाउडर डाल दिए, लाल मिर्च पाउडर डाल दिए, काला नमक डाल देना है आपको। अब इस पर हम डाल देंगे टोमेटो सॉस, बहुत ही चटपटा टिक्की। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अगर आपके पास पापड़ी भी है तो आप पापड़ी भी डाल सकते हैं, अगर बूंदी है तो आप बूंदी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए तैयार हो गया क्रिस्पी क्रिस्पी टिक्की चावल के आटे वाला। इसे हम आपको तोड़कर दिखा देते हैं।
तो ये देखिए, ये देखिए टेस्टी टेस्टी तैयार है। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए और भी रेसिपी लाते रहेंगे टेस्टी टेस्टी।